Condition of. ऑपरेटर जैसे मैंने बताया कि दो ओपेंड में काम कर रहे थे और मोस्टली दो ओपेंड में काम कर रहे थे। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ओपेंड में काम कर रहा था, आवाज आ रही है। और कंडीशन ऑपरेटर जो होता है वो थ्री ऑपरेंड में काम करता है, ठीक है। इसमें तीन ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंडीशन ऑपरेटर का कंडीशन सेम आप पढ़ रहा होगा, दैट मीन्स की वी हैव टू यूज अ कंडीशन, यानी कि कोई कंडीशन अप्लाई होगी इसके अंदर, ठीक है, इस ऑपरेटर के अंदर। तो यानी कि हम यहां पर थ्री ऑपरेंड पर काम करेंगे, यानी कि थ्री ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया। तो थ्री ऑपरेंड्स ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है समझना। मान लो ऑपरेंड वन, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू एंड ऑपरेंड थ्री, ठीक है। इसके बीच में लगा होता है क्वेश्चन मार्क और यहां पर लगा होता है कॉलन, ठीक है। तो जो पहला वाला ऑपरेंड होता है, ये फर्स्ट वाला ऑपरेंड होता है, उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं क्या कंडीशन, स्पेसिफाई कंडीशन बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑपरेटर, और जो भी रिलेशन ऑपरेटर हैं और लॉजिकल ऑपरेटर हैं कल बताए थे, तो उनके बिहाफ का हम इसमें फर्स्ट वाला ऑपरेंड में कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ योर कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ऑपरेंड टू काम करता है, यानी कि ट्रू होती है तो ऑपरेंड टू काम करता है। इफ योर कंडीशन इज फॉल्स, जब भी कंडीशन लगाई जाती है देखना उसका जो एवलुएट होता है रिजल्ट वो ट्रू और फॉल्स में होता है, ठीक है। तो ऑपरेंड वन अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं हम, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ऑपरेंड टू वर्क करेगा, यानी कि टू में स्टेटमेंट हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। और अगर फॉल्स होता है तो ऑपरेंड थ्री वर्क करेगा, ठीक है। ये एवलुएट होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इसमें जो भी इसके अंदर स्पेसिफाई किया होगा हमने स्टेटमेंट वो आपका परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कंडीशन ऑपरेटर। अब एग्जांपल देता हूं कि कंडीशन ऑपरेटर काम कैसे करता है जल्दी। जैसे सपोज करके एग्जांपल समझिए, मान लो सपोज करके इंटीजर वैल्यू है ए, ठीक है, और एक डी है, और ए की वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी मान लो फाइव, ओके, और बी की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी मान लो थ्री, ठीक है। अब हम इस सिंटैक्स को अप्लाई करते हैं, अगर हम सिंटैक्स को अप्लाई करते हैं तो कंडीशंस देते हैं सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब कंडीशन ऑफ सिंटैक्स यूज कर रहे हैं कि पहले वाले में मैंने बोला था कंडीशन देंगे तो ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर बी होता है तो हम क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है, और यहां पर हम प्रिंट करा देंगे कोई भी स्टेटमेंट, प्रिंट करा देंगे, यानी कि डबल क्वेश्चन मार्क्स में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे A is greater, ठीक है। फिर कॉल अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला चलेगा, आपको पता था ऑपरेंड टू वर्क करेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो B is greater, ठीक है, इस तरह से वर्क करेगा। और इसको हम कहीं स्टोर कर लेंगे, यानी कोई स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कंडीशन मार्क में जो भी हम देते ना वो स्ट्रिंग होता है, तो हम यहां पर मान लो एस में स्टोर कर देते हैं उसको, ठीक है। तो देखो कंडीशन चेक करेगा वो, इफ योर कंडीशन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस ए वैल्यू इज फाइव, बी वैल्यू इज थ्री, अकॉर्डिंग टू अगर इसकी बात करें तो कंडीशन ट्रू ही है, तो ट्रू है तो ए इज ग्रेटर बोलेगा, हाँ ए की वैल्यू ग्रेटर ही है, और ये इस मैसेज को डबल कंडीशन मार्क्स में जो स्ट्रिंग होता है उसको कहां स्टोर कर देगा, ये एस में स्टोर कर देगा, एस को हम फिर प्रिंट करा लेंगे। तो आप ए और बी की कोई भी वैल्यू आएगी, किसी की कोई भी, अभी तो इसमें ए बड़ा है, बी भी ग्रेटर हो सकता है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये अपने आगे वर्क करेगा, हमारे जो ग्रेटर होगा, जो भी ग्रेटर होगा चाहे ए हो या बी हो, स्ट्रिंग को इसमें स्टोर कर देगा, इसको हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो कंडीशन ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है। आगे बढ़े समझ आगे जी, तो वही जगह सिक्वेंस मैंने अप्लाई किया है, तो और बेटर समझ में आएगा जब प्रोग्राम आप आगे के प्रोग्राम्स करोगे ना, तो और समझ में आएगा आपको।
तो ऑलमोस्ट आपके ऑपरेटर्स सारे फिनिश हो चुके हैं। तो अब आपको बात बताते हैं सोर्स कोडिंग डायरेक्टली जावा की, कि जावा में सोर्स कोडिंग कैसे क्रिएट की जाती है।